हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रचना करेरिया में। आज हम स्लीव्स कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताएंगे। पफ वाले स्लीव्स बना रहे हैं, इसका हमने बेल्ट कट कर लिया है, वो हम 2.5 इंच का बनाएंगे। हमने 3.5 इंच कट कर लिया है। अब हम जो पफ बनेगा उसको काटेंगे, जो बेल्ट लगता है उसको हमने कट कर लिया है। 2.5 इंच कम करते हुए हम निशान लगा लेंगे। 10 इंच स्लीव्स हमें तैयार रखना है तो हम 11 इंच कट कर लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से दब जाएगा। और ये हमारा स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, इसको हम जॉइंट करेंगे बाद में, पहले हम रख लेते हैं। ये हमारा आर्म होल का निशान लग रहा है, ये यहाँ तक हमारा आर्म होल आ रहा है। और हमने ये 4 इंच बढ़ा कर ले लिया है, जिसके लिए हम चिन्नटे डालेंगे तो पफ स्लीव्स बनेगी। तब 1.5 इंच हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा उसी में, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा जिससे पफ अच्छे से फूल जाएगा। और 2 इंच ऊपर से बढ़ा लेंगे और आर्म होल में इसमें 4 इंच कम करना है। आप चाहें तो 4.5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 इंच कर रही हूँ क्योंकि 4 इंच में ही सही आ जाएगा। और आपको ज़्यादा खिंचाव या टाइट एकदम परफेक्ट आएगा 4 इंच में। ये हमने निशान लगा लिया और हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल का बैक वाला निशान है, और जो दिख रहा है ये फ्रंट में हम कट कर लेंगे, जिससे ये झोल आता है वो नहीं आएगा। और हम कटिंग कर लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से, ये ध्यान रखना है, तभी आपका पफ अच्छे से फूलेगा, नहीं तो वो एकदम से खिंचा हुआ लगेगा। इसको भी थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये देखिए, ये इतना हमारा बच रहा है, चिन्नटों में दब जाएगा, उसको साइड में रख देंगे। और इस कपड़े को हमने कट कर लिया है, मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। और हम कपड़े को जॉइंट कर लेंगे, जो हमने अलग से कपड़ा रखा था जॉइंट करने के लिए उसको जॉइंट कर लेंगे। हमने जॉइंट कर लिया है, सारे कपड़े इसी तरह से जॉइंट करना है। और हम इसको मेन फैब्रिक को चिपका लिया है। चिपकाने के बाद अब हम इसमें चिन्नटे डालेंगे। हमने पूरा इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे, और आर्म होल आ रही हमारे 8 इंच। तो 2 इंच, 1 इंच इधर से 1 इंच उधर से 2 इंच का गैप रहेगा, उसमें हमारी सारी चिन्नटे आ जाएंगी। तो 2 इंच हमारा वहाँ से कवर हो जाएगा, इसलिए हमने 7 इंच पे निशान लगाया है आर्म होल के लिए। वैसे आर्म होल हमारे 8 साढ़े 8 के बीच आ रहे हैं, जो चिन्नटों में कवर हो जाएगा। ये हमारे ऊपर की तरफ चिन्नट डल गई हैं इस तरह से। अब हम इसे नाप कर देखेंगे। ये देखिए, हमारा सही आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो दब जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम 1 इंच कम करते हुए यहाँ से भी निशान लगाएंगे और फिर चिन्नटे डालेंगे। ये देखो, सारे चिन्नटे डाल लेंगे। ये हमारी सारी चिन्नटे डल गई हैं। अब हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे, जो हम बेल्ट लगा रहे हैं ना उसको तैयार करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे, इसमें जो वर्क नहीं है उसको अलग हटा देंगे। ढाई इंच का रखना है हमें बेल्ट, हम जो लगा रहे हैं वो 2.5 इंच का रखेंगे।
ये हमारा बेल्ट बन गया। और हमको सीधा रख कर एक सिलाई लगा लेना है, देखो हमारा फिट आ रहा है वो। ये हमने एक सिलाई सीधा लगा लिए, बाजू को सीधा ही रखना है और सीधा उसको अब पलटते हुए एक सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसमें पिनअप कर लेंगे, पिनअप कर लेंगे पलट कर, इस तरह से पिन लगाते जाएंगे। हमने सारे में पिन लगा लेंगे इसी तरह से। ये हमारे पिन लग गए हैं, अब आसानी से सिलाई लग जाएगी। पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यह हमारी सिलाई लग गई है, अब पलट कर एक सिलाई और लगा लेंगे हम। दो सिलाई हमने ऊपर के साइड लगा ली, दो सिलाई हम नीचे के साइड लगा लेंगे, जिससे हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारी दोनों सिलाई लग गई हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकल रहा है उसको कट कर देंगे। और हमारा पफ स्लीव बनकर तैयार हो गया है। स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। जब तक हमारी स्लीव्स जॉइंट हो रही है तब तक हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारी स्लीव्स जुड़ गई है, और बनने के बाद स्लीव्स किस तरह से दिखेगी।